वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेबसाइट के बारे में। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप फ्री इमेजेस और फ्री वीडियो क्लिप्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो वहां पे आपको पता है कि कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं चलता, वहां पे आपको नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट चाहिए होता है जो आपका खुद का हो, या फिर आप किसी ऐसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो जहां पे वो नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट मौजूद हो। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी में इमेजेस और वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल में अपनी वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। तो इस वेबसाइट का नाम है पिक्साबे। पिक्साबे वेबसाइट की मदद से आप वहां से नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, उसमें आपने अपना गूगल का अकाउंट साइन इन करना है वहां पे, और वहां पे हाई क्वालिटी में इमेजेस आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरह की आप वहां पे सर्च करेंगे, इमेजेस को सर्च करेंगे, इमेजेस आ जाएंगे, वीडियो सर्च करेंगे, वीडियोस आ जाएंगे, और आप वो कंटेंट यूज कर सकते हैं, वो कंटेंट नॉन कॉपीराइटेड होगा। मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं इस वेबसाइट के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा सब्सक्राइब का बटन, उसके ऊपर क्लिक करें, सामने दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम को। मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये सारा काम कर सकते हैं। तो मेरे पास गूगल क्रोम है, उसको ओपन करता हूँ। सर्च बार में सबसे पहले मैं गूगल को ओपन करता हूँ, www.google.com। यहाँ पे सर्च बार में लिखता हूँ PIXABAY, पिक्साबे। इसको सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट जो आएगी आपके पास वो यही वाली है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब आपने इसको डेस्क माउंट में करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं डेस्क माउंट में इसको ले जाता हूं ताकि ये काम अगर आप पीसी पे करें या लैपटॉप पे करें तो आपको सेम शो हो वहां पे। ऊपर थ्री डॉट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और लास्ट में लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट हमारी हो जाएगी डेस्कटॉप साइट में। तो अब यहाँ पर आप इमेजेस को भी सर्च कर सकते हैं और वीडियोज़ भी ले सकते हैं, इसके अलावा म्यूज़िक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप साइन इन कर लें, क्योंकि इस यहाँ से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए हमें साइन इन की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है। ये ऊपर आप आइकन देख सकते हैं, ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और दोबारा से साइन इन करके आपको चेक करवाता हूँ। लॉग आउट हो चुका है और इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, कंटिन्यू, और इसके मेन पेज पे जाते हैं। तो ये अब आप देखें ऊपर लॉगिन और ज्वाइन का ऑप्शन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है यहाँ पे तो आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो आपका जीमेल अकाउंट है उसके ज़रिए से भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। और फेसबुक के साथ करना चाहते हैं या फिर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है पहले से अपने गूगल अकाउंट के साथ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आपने कंटिन्यू गूगल करना है तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जो जिस अकाउंट से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे उसी अकाउंट से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ये फेसबुक से करना चाहें तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जी, ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ और इसको मेन साइट पर जाते हैं और ये आप हमारा पेज आ चुका है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कुछ भी, हम यहाँ पे सर्च करते हैं YouTube सर्च करेंगे और ये हमारे पास YouTube वाली इमेजेस पिक्चर्स काफ़ी यहाँ पे आ चुकी हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे तो सामने लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ये YouTube हमने यहाँ पे टाइप किया, सामने ये लिखा हुआ है इमेजेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ आप ले सकते हैं। साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, म्यूज़िक, वीडियोस, इलस्ट्रेशन, उसके अलावा वेक्टर ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, इमेजेस, बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं इस पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस हमारे पास आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। लास्ट पे जो हमारा आउट्रो आता है, ये इंट्रो आता है, उसमें हमारी पिक्चर्स वगैरह ऐड करने का ये बने हुए सारे पॉपुलर वीडियो, रिसेंट वीडियोज़, तो ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है।
इसके अलावा यहाँ पे हम YouTube को दोबारा सर्च करते हैं और इसमें जाते हैं जी, अब साउंड इफेक्ट्स इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये साउंड इफेक्ट भी हमारे पास आ चुका है। इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे सर्च में आप लिख के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी यूट्यूब बैकग्राउंड, सामने इमेजेस रहने देते हैं, इमेजेस को सर्च करते हैं तो ये वाली इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी यूट्यूब बैकग्राउंड। ये अगर आपने मोबाइल रिकॉर्ड करना हो तो इसके ऊपर आप स्क्रीन लगा सकते हैं अपनी, और ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये ऊपर आप जो बार देख रहे हैं लिखा हुआ है ऊपर स्पॉन्सर्ड इमेजेस आई स्टॉक, इसके ऊपर आप क्लिक ना करें क्योंकि ये पेड इमेजेस हैं। ये यहाँ पे जो इमेजेस होंगी वो पेड होंगे, वो आप अगर पे करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर लें डाउनलोड, नहीं तो ये नीचे वाली जो इमेजेस आएंगी, ये लिखा हुआ है 36 फ्री इमेजेस फॉर यूट्यूब बैकग्राउंड, इसके नीचे जो इमेजेस हैं ये सारी फ्री हैं, इसके बाद लास्ट में जो लिखा हुआ है ये फिर पेड इमेजेस हैं। तो हमने फ्री में यूज़ करनी है, फ्री में बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे हमारा इजीली काम चल सकता है, तो हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पेड वाली इमेजेस में कोई पसंद आती है तो उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनमें से अब हम कोई डाउनलोड करके चेक करते हैं कि किस तरह से ये डाउनलोड होगी। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट वाली हम इमेज को क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो इजी आप देख सकते हैं ये साइड पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक और ये रेजोल्यूशन आपके पास आ चुके हैं। अगर आप फुल एचडी में करना चाहते हैं तो ये नीचे है 2250 और 2000 वाली 140 केबी की है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर अगर आप स्मॉल साइज़ में आपको चाहिए तो वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते ही हमारी ये इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से हम इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये ओपन किया और ये हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको बैक करते हैं और जूम आउट करते हैं, और इसमें पिक्चर अपलोड करने का भी ऑप्शन है, ये ऊपर आप देख सकते हैं अपलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखें लिखा हुआ है 10 अपलोड्स रिमेनिंग दिस मंथ, तो एक महीने में आप 10 अपलोडिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल करेंगे, कोई भी इमेज आपने खुद कैप्चर की हो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो यहाँ पे करना चाहते हैं अपलोड उसको क्लिक करेंगे और उसको ओपन करके वहाँ पे ले जाएंगे और अपलोड कर सकते हैं। उसमें आप टैग्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि जब कोई सर्च करे तो आपकी व्यू में जा सके। तो इस तरह से आप खुद की जो आपने खुद कैप्चर की हो वीडियो या फिर इमेज हो तो या म्यूज़िक हो उसको आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी तरह से काफ़ी इमेजेस यहाँ पे अपलोड होती हैं, वीडियोस होती हैं, म्यूज़िक होते हैं, तो वो इजीली यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये काफ़ी फ्री कॉपीराइटेड सब कुछ यहाँ पे कंटेंट है, आप अगर उनको यूज़ करेंगे अपने वीडियोस में यूट्यूब के लिए तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ से नहीं आएगा। जी फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये वेबसाइट भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।